नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी दिल्ली से पहली बार आपके YouTube चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये है हमारे छोटे भाई पंडित नितेश भाई शास्त्री गुरुजी गोविंदपुरी कालका जी। दोस्तों आज जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ वशीकरण का, ब्लैक मैजिक का, वो सबसे यूनिक है, सबसे हटकर है, क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है चमत्कारिक और जादुई खोपड़ी से वशीकरण किस प्रकार से करते हैं। ये चमत्कारिक जादुई खोपड़ी है दोस्तों, ये खोपड़ी भाई नितेश भाई को गुरुजी ने दी है, जो अभी दो तीन महीने पहले कुंभ का मेला लगा था उस मेले में इस खोपड़ी को सिद्ध करके दिया है, जिससे वो आपका कोई भी कार्य वशीकरण का हो, ब्लैक मैजिक का हो, या शत्रु नाश का हो, या कोई भी क्रिया को जल्द से जल्द कर सकते हैं। दोस्तों ये जादुई खोपड़ी आपको चाहिए तो आपको जब नेक्स्ट बार कुंभ का मेला लगेगा या उज्जैन महाकालेश्वर या आसाम में जो नागा बाबा है, जो साधु है, वो आपको सिद्ध करके देते हैं, और बिना सिद्ध किए अगर खोपड़ी आपको मिलती है तो हम आपको सिद्ध करके दे सकते हैं। अब इस जादुई खोपड़ी से आप वशीकरण किस प्रकार से करेंगे इसका मैं आज आपको पूरा लाइव आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आप उस खोपड़ी को, जो जादुई खोपड़ी आपको आपके गुरुजी से मिली हो या किसी नागा साधु ने दी हो, और जो नागा साधु होते हैं उनके पास में ये खोपड़ी इस प्रकार की हमेशा रहेगी, उसी खोपड़ी को वो लोग सिद्ध करते हैं और उसी खोपड़ी के साथ बातें करते हैं और सामने वाले की मन की बात को जान लेते हैं। और हमारे पास में भी जब क्लाइंट के कॉल आते हैं तो हम कर्ण पिशाचनी साधना से पता लगाने की प्रयत्न करते हैं कि सामने वाले को समस्या क्या है। हमेशा हमको कॉल आते हैं कि गुरुजी फोटो देके बताइए क्या प्रॉब्लम है, वशीकरण क्यों नहीं हो रहा है लड़की के ऊपर, तो हम कर्ण पिशाचनी साधना का माध्यम से करते हैं। और जो अगोरी बाबा होते हैं वो इस प्रकार की खोपड़ी सिद्ध की हुई उससे इस प्रकार से पता लगा लेते हैं कि कौन से उस आदमी के अंदर जो जिस पर्सन के बारे में वो जानना चाहता है कि लड़की के दिमाग में भी क्या चल रहा है, क्यों मेरा ब्रेकअप हो गया, तो वो इस माध्यम से जानते हैं और हम कर्ण पिशाचनी साधना के माध्यम से पता लगाते हैं। तो इस प्रकार से जादुई खोपड़ी से आप वशीकरण किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार की जादुई खोपड़ी को आप रख दीजिए, व्हाइट कलर का कपड़ा बिछा लीजिए और पूर्व दिशा की ओर मुख रहेगा, और फिर आप ले लीजिए इंद्रजाल और 11 अगरबत्ती, 2 नींबू, और एक लड़का और लड़की जिसका वशीकरण कर रहे हैं आप, वो लड़का लड़की का फोटो, एक अच्छा सा धूप स्टिक और 5 मोमबत्ती, और सफेद कलर के कपड़े के ऊपर आप जादुई खोपड़ी से हर दिन वशीकरण कर सकते हैं। अगर जादुई खोपड़ी आपके पास में है तो आप अपना तो वशीकरण करेंगे ही, दूसरों के लिए भी आप वशीकरण कर सकते हैं, और आप एक प्रोफेशनल तांत्रिक के रूप में आप अगर ये सिद्ध जादुई खोपड़ी अगर आपके पास में मिल जाती है तो इस प्रकार से इस जादुई खोपड़ी को करने के लिए, वशीकरण करने के लिए आप 4 चावल के 4 ढेरी बना दीजिए, उसके ऊपर 4 अंडे रख दीजिए, देसी अंडे रखेंगे तो अच्छा है, फॉर्मी होंगे तो भी चलेगा। और फिर आप एक कैंडल जला लीजिए और जादुई और चमत्कारी खोपड़ी जो आपका आदेश का पालन करेगी, आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेगी, इसको करने के लिए फिर आप खोपड़ी के ऊपर कैंडल जला लीजिए। मंत्र बोलिए, ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः, ओम अघोरेभ्योय नमः, ओम अघोरेभ्योय नमः, ओम अघोरेभ्योय नमः, और उस कैंडल को आप खोपड़ी के ऊपर जला लीजिए। और एक कोई सामान्य ऐसा स्कूल पटान पुतला कैसा भी बनेगा तो भी चलेगा, आकार होना चाहिए, और उसको
जिसको भी वश में करना चाहता है, लड़का और लड़की का फोटो उसके ऊपर इस प्रकार से लगा के बांध दीजिए, फोटो दोनों का फोटो इस प्रकार से बांध के खोपड़ी के आगे रख लीजिए और फिर 5 या 11 अगरबत्ती अपने कुल देवता का नाम लेके और गुरु गोरखनाथ का नाम लेके और भैरव का नाम लेके आपको 5 अगरबत्ती या 21-11 अगरबत्ती जो भी आपकी इच्छा के अनुसार जलानी है। और जितनी बार जो भी क्रिया का काम लेंगे, कुछ जो सामग्री का आप काम लेंगे, ओम अघोरेभ्यो नमः, ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः, ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः, ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः मंत्र बोलेंगे और इस प्रकार से 11-21 अगरबत्ती आप जलाएंगे और इस प्रकार से आप मंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर इसको लगा दीजिए। फिर दोस्तों इंद्रजाल और खोपड़ी के आगे आपको ये रखना है और खोपड़ी के ऊपर थोड़े से पुष्प अर्पित करने हैं और लिंबू के ऊपर, एक लिंबू के ऊपर लड़की का नाम, एक लिंबू पर लड़के का नाम, जिसको भी वश में करना चाहते हैं दोनों के नाम आपको लिखने हैं और दोनों तरफ रखने हैं। ये खोपड़ी आपकी बात सुनेगी, मतलब आपका आदेश सुनेगी, इसके लिए दोनों तरफ एक पे, जिस अगर आप लड़का है रमेश है तो आपका नाम इधर होगा, लड़की का नाम उधर होगा, दोनों तरफ दोनों नाम होंगे और फिर इस प्रकार से आप मंत्र बोलेंगे। फिर ओम अघोरेभ्यो नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः, ओम अघोरेभ्यो नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः और थोड़ा मंत्र बोलेंगे, ओम अघोरेभ्यो नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः और इस प्रकार से आपको फिर थोड़े से और पुष्प माँ भद्रकाली के प्रसन्नस्तु नमः बोलेंगे और फिर आप बोलेंगे, ओम माँ कामाख्या देवी प्रसन्नस्तु नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः, ओम माँ भद्रकाली के प्रसन्नस्तु नमः, ओम माँ भद्रकाली के प्रसन्नस्तु नमः, ओम अघोरेभ्यो नमः, ओम महाभद्रकाली के नमः, ओम ओंकारेश्वराय नमः। इस प्रकार से आप मंत्र बोलेंगे भगवान भोलेनाथ के, भैरव के मंत्र बोलने के बाद में आप अभी अमीर गुलाब हल्दी कुमकुम थोड़ा सा और छोटी थी लेके आते हैं हमारे हरिद्वार से और थोड़ा सा सब रखो यहाँ थोड़ा सा इसके ऊपर अंडे के ऊपर, ओम अघोरेभ्यो नमः, ओम भद्रकालिके नमः, ओम चामुंडेश्वरे नमः और ओम कामाख्याये नमो नमः। इस प्रकार से आप पहले कुमकुम खोपड़ी के ऊपर भी ओम अघोरेभ्यो नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः, ओम अघोरेभ्यो नमः, ओम 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 भूतनाथाय नमः। शंकर भगवान का एक और नाम है, हजारों नाम सहस्त्र नामों में से एक भूतनाथ महादेव, तो ओम ओम भूतनाथ, ओम भूतनाथाय नमः। इस प्रकार से मंत्र बोलेंगे, ओम भूतनाथाय नमः, 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 ओम भूतनाथाय नमः। इस प्रकार से 101 बार ओम भूतनाथाय नमः मंत्र का जाप करेंगे। फिर उसके बाद में वशीकरण मंत्र का नाम, अब आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। ओम ओम माँ भद्रकाली के नमः, ओम जैसे रमेश है आप और किसी आशा नाम की लड़की को वश में करना चाहते हैं, आपका नाम नहीं लेना, तो बोलेंगे ओम शिवे भगे भगे भग, शोभय शोभय मोहय मोहय, छादय छादय क्लेदय क्लेदय, क्लीम शरीरे ओम फट स्वाहा। फिर थोड़ा सा सिंदूर अंडे के ऊपर थोड़ा थोड़ा चढ़ाएंगे, फिर ओम शिवे भगे भगे भग, शोभय शोभय मोहे मोहे, छादे छादे क्लेदे क्लेदे, क्लीम शरीरे ओम फट स्वाहा। आशा मम वश्य वश्य, अकसे अकसे कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से 108 मंत्र
बोलेंगे और खोपड़ी पे आप हाथ रख के बोलेंगे, हाथ रख के आदेश आदेश आदेश, मेरे यजमान रमेश को आशा के पास काट के ला, पीट के ला, लूट के ला, इस प्रकार से आप खोपड़ी को आदेश देंगे, आदेश 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 आशा को मेरे यजमान। और जब आप इस आदेश देंगे खोपड़ी को, तब आपके दिमाग में दोनों की छवि होनी चाहिए, आप किसके लिए काम कर रहे हैं, किसको किससे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बोलेंगे आदेश आदेश आदेश, आशा को रमेश के पास काट के ला, पीट के ला, लूट के ला, मेरी नहीं चले तो वीर कंकाली की आन फिरे, आदेश आदेश आदेश, इस प्रकार से आप खोपड़ी को आदेश देंगे। फिर दोस्तों आप अपने इस प्रकार से खोपड़ी को आदेश देने के बाद में 108 बार आदेश देने के बाद में इस चारों अंडों को इसकी खोप और खोपड़ी के ऊपर इस प्रकार से फोड़ देंगे, चारों अंडों को आदेश 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 आदेश, इस प्रकार से फोड़ने के बाद आप जो भी ये सामग्री है सबको, खोपड़ी को आप अपने ऐसे स्थान पे छुपा के रख दीजिए ताकि फ्यूचर में आप काम में ले सकें, घर के अंदर नहीं रखना है, और इस सभी सामग्री को आप एक कहीं सुनसान जगह पे डाल देना है, और इस प्रकार से आपकी खोपड़ी आपका काम करेगी और आपके निश्चित रूप से वशीकरण का कार्य आपका सफल होगा। तो इस प्रकार से अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप हमारा तंत्र मंत्र वशीकरण का प्रोग्राम जल्द से जल्द देख लेंगे। और पहली बार आप लाइव नितेश भाई आए हैं अपने यूट्यूब चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में, तो आज मैं भी दिल्ली में आया हूँ, तो इस प्रकार से कोई भी आपकी समस्या है तो इनसे संपर्क कर सकते हैं और आपका निश्चित रूप से आपको संतोषजनक हमारा कार्य आपको संतोषजनक करके देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।